सिकंदर भारत में, पीछे एक जगह लिख लें जहाँ पर सिकंदर वाला हिस्सा है, सिकंदर भारत में मार्च 326 से अक्टूबर 325 ईसा पूर्व तक रहा। आज जिस शासक पर चर्चा होना है उनका नाम है अशोक, सम्राट अशोक। इनके बारे में कुछ लिखें, उससे पहले कुछ चीज़ें सुन लें तो फिर लिखने में सहूलियत होगी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार वो राजा बना, तो राजा को राजा की तरह राज चलाना चाहिए, ये उसके पिता ने उसको बता दिया था। 25 वर्षों तक बिंदुसार शासन किया, उसके बाद वो बूढ़ा हो गया और हट गया। उसे कई पुत्र थे और जो प्रांत था वो बहुत बड़ा था। अशोक 21 साल का था और वो कश्मीर का गवर्नर था, जैसे राज्यपाल होते हैं वैसा। तो कश्मीर में वो शासन करता था अपने पिता की तरफ से, और वहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को उसने कुचल दिया था। तो कमज़ोर शासक नहीं था, तेज था, 21 साल का था। उसी समय उसे जानकारी हुई कि उसके पिता का शरीर छूट गया। 21 साल का लड़का एकदम तेज तर्रार, जब वो कश्मीर से मगध आया तो उसके कई भाई थे जो चाहते थे कि हम राजा बने, हम राजा बने। अशोक सबसे बड़ा नहीं था लेकिन महत्वाकांक्षी था। तो 4 साल तक लड़ाई होती रही। कुछ लोगों ने अशोक को सपोर्ट किया कि आप राजा बनिए, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। तो 4 साल तक लड़ाई होती रही और उसने अपने कई भाइयों को मारा, तब जाकर के उसे बादशाहत हासिल हुई। कितने भाइयों को मारा? श्रीलंका में, जिसको सिंघल कहा जाता था, वहां बौद्ध ग्रंथ मिले हैं, उसमें लिखा है अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवाया। लेकिन इतिहासकार इससे राजी नहीं हैं। वो कहते हैं हाँ, कई लोगों को मरवाया लेकिन ये 99 और 100 की संख्या हम नहीं मानते हैं, क्योंकि बौद्धों की ऐसी शैलियां हैं, लिखने का ऐसा ढंग है उनका, 100 लोगों को मारा, 1000 लोगों को मारा, 500 लोगों के साथ गया है, तो उनका इसको हम नहीं मानते। लेकिन हाँ, अपने कई भाइयों को मार करके अशोक बादशाह हुआ। जब वो बादशाह हुआ तो 25 साल का था। 8 साल तक उसने विद्रोहों का दमन किया, राज्य को पुख्ता किया, और फिर उस समय जो सबसे बड़ा राज्य था उसके बगल में कलिंग, कलिंग पर उसने हमला किया। कलिंग उड़ीसा को कहते हैं। आज के समय में उड़ीसा सबसे कमज़ोर राज्यों में से एक है, अब नहीं है लेकिन काफ़ी कमज़ोर रहा। उस समय कलिंग खास राज था और कलिंग ने अशोक की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अशोक अपनी पूरी सेना लेकर के अटैक कर दिया, और ऐसा लिखा मिलता है 1.5 लाख लोग घायल हुए, 1 लाख लोग मारे गए, और लगभग इतने ही लोगों को अशोक ने प्रिजनर ऑफ वॉर, बंदी बनाया।
उस समय जब इतनी जनसंख्या नहीं थी, तब 1.5 लाख लोगों का मारा जाना, 1 लाख लोगों का घायल होना, इतनी ही संख्या में बंदी बनाया जाना, ये बात उसको कहीं बहुत गहरे चुभ गई। एक राजा की महत्वाकांक्षा सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी राज्य हमारा गुलाम हो जाए, ये ठीक नहीं है। इतने लोगों की हत्या, और कहीं उसके मन में पछतावा हुआ, और कलिंग युद्ध उसके जीवन का अंतिम युद्ध था। इसके बाद उन्होंने 30 साल तक और शासन किया, और कहीं एक युद्ध नहीं हुआ। तो राजाओं ने तो बहुत लंबे समय तक शासन किया है तलवार के बल पर, सैनिकों के बल पर, लेकिन अशोक ने आगे के 30 वर्ष शासन किया और कहीं कोई युद्ध नहीं किया, और उनकी छवि बढ़ी, उनका नाम देश से बाहर गया, और अशोक ने अपने लिए लिखा है देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, देवता माने सज्जन, सज्जनों का प्रिय, अपने लिए उन्होंने टाइटल रखा देवानाम प्रिय, प्रिय दर्शन उनका नाम था, जो देखने में सुंदर हो, जिसके हाथ में तलवार होगी उसे सुंदर नहीं माना जाएगा। और यहीं पर कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वो एक भिक्षु से दीक्षित हुए, उन्होंने लड़ाई का काम एकदम छोड़ दिया, और वो काम किया जो आजकल की सरकारें करती रही हैं, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। ये हम लोगों ने अशोक से सीखा है, सड़कें बनवाना, छायादार वृक्ष लगवाना, धर्मशालाएं बनवाना, औषधालय बनवाना, विद्यालय बनवाना, चौकी बनवाना जहां पर पुलिस रहे, कमिश्नर उन्होंने नियुक्त करना शुरू किया था। कमिश्नर जो आज होते हैं आयुक्त, ये अशोक के समय से हैं। एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि जितनी साक्षरता की दर अशोक के समय में थी, शिक्षा का जितना अच्छा स्तर अशोक के समय में था, उतना फिर बीच में कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपने लिए लिखा कि हमारे समय में भी नहीं है, और उन्होंने उनके शिलालेख मिले हैं। शिलालेख पहाड़ पर जो चट्टाने होती हैं, ऊंचाई पे दूर से जो दिखती हैं, वहां पर अशोक ने अपनी राजाज्ञाएं लिखवाई, गुफाओं के मुहाने पर लिखवाया, और अलग से पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं काट करके उस पर अशोक की तरफ से आज्ञाएं जारी की गई, और जहां जहां उनका साम्राज्य है था, उन सभी कोनों पर उनकी राजाज्ञाएं बड़े बड़े शिलालेखों के रूप में मिलती हैं। और भाषा, भाषा पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, कई भाषाएं हैं। तो ये जो हमारे देश ने एक सिद्धांत लिया है कि जो राज्य है वो कल्याणकारी होगा। कल्याणकारी का क्या मतलब है? राज्य जनता के कल्याण के लिए जिम्मेदार है। हॉस्पिटल राज्य बनवाएगा, विद्यालय राज्य बनवाएगा, सड़कें राज्य बनवाएगा, जो भी व्यवस्था है राज्य करेगा जनता के लिए, और जनता बदले में थोड़ा सा टैक्स देगी और मुक्त रहेगी। ये जो हम सिस्टम आज देख रहे हैं, ये उस जमाने में अशोक ने फॉलो किया था।
और हमने या हमारे इतिहासकारों ने अशोक की प्रशंसा में जो कहा वो तो कहा ही, विदेश के इतिहासकारों ने अशोक की बहुत प्रशंसा की। उसे और भी कारण हैं, एक तो बौद्ध हो गया था और बौद्धों को लोग पसंद करते हैं। जब अशोक बौद्ध हुआ उसके पहले वह, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है, वह शिव की उपासना में था, शैव था। और लिखा मिलता है कि उसके भंडार घर में हजारों हजारों पशु काटे जाते थे, रोज का था। फिर उसने एक आज्ञा जारी की, कुल 3 पशु मारे जाएं, 1 हिरण और 2 मोर, इससे काम चल जाना चाहिए। अब जो राजपुत्र हैं, जो राज परिवार है, जिन्होंने हमेशा से मांस खाया है सुबह शाम सोते जागते, वो 3 से उनका कैसे काम चलेगा? तो लोगों ने कहा इतने से काम नहीं होगा। तो उसने एक नई आज्ञा जारी की, 3 से काम नहीं चलेगा तो 1 भी नहीं चलेगा, अब कुछ नहीं बनेगा। हमारे भंडार घर में किसी पशु का मांस नहीं बनेगा, नहीं पकेगा। लोगों ने कहा शेर को घास खिलाओगे? उन्होंने कहा जैसा भी चाहो, जैसा भी समझो। अशोक ने स्वयं खाना छोड़ा और बाकी लोगों को प्रेरित किया, और उसने धर्म की बात जनता में जाए इसके लिए रिलीजियस मिनिस्टर, धार्मिक मंत्री, जिन्हें उन्होंने धर्म अमात्य कहा, नियुक्त किया और कहा जाओ। बहुत सारे धर्म अमात्य नियुक्त किए, जनता में जाओ, जनता को समझाओ कि खान पान सुधारें, नैतिकता सुधारें, उससे हमारे जेल खाने की व्यवस्था अच्छी बनेगी। और जो लोग जेल में थे, अशोक ने पहली बार नियम बनाया था, जिस दिन वो राजा बने थे उस तारीख को हर बरस कुछ 100 कैदियों को वो छोड़ दिया करते थे, छोटे मोटे कैदी, ये नहीं कि कोई किसी की जान मारा है तो उसको, कोई चोरी में पकड़ा गया, कुछ गलती करते हुए पकड़ा गया, ऐसे लोगों को वो कई 100 बंदियों को हर साल जिस दिन वो राजा बने थे उस दिन वो छोड़ दिया करते थे। और जिन्हें प्राणदंड दिया गया था, ऐसे कैदियों को जिस दिन फांसी पर चढ़ाना होता था, मारना होता था, उससे पहले कह देते थे कि 3 दिन के लिए तुम्हारी छुट्टी है, 3 दिन के लिए तुम वापस घर जाओ। सैनिक जाता था और अपने घर में रहे, परिवार में रहे, और 3 दिन बाद उसको वापस लेकर के आते थे, तब जो दंड देना होता था दिया जाता था। ऐसा उन्होंने किया था। हर जगह कोमलता, हर जगह मिठास कोई राजा कर सकता है, ये दुनिया ने पहली बार देखा था। और अशोक ने अपने बेटे को, कुछ लोग कहते हैं भाई था, महेंद्र नाम था उनका, और उनकी बेटी थी संघमित्रा, कुछ लोग कहते हैं भाई था, कुछ लोग कहते हैं उनका बेटा था, महेंद्र नाम था, और ये तो बेटी थी संघमित्रा। इन दोनों को उन्होंने साधु बनने के लिए आज्ञा दे दिया था। उन्होंने कहा मैं तो फंस गया हूं, मेरे हिस्से बहुत पाप है, कम से कम तुम लोग जा सकते हो। महेंद्र और संघमित्रा साधु का वेश धारण किए और ये श्रीलंका गए, वहां जाकर के भिक्षु के रूप में रहे। तो एक पिता जो अपने पुत्र को साधु बनने के लिए आमंत्रित करे, आज्ञा दे, ये समझ में आता है कि उसके हृदय में कितना भाव था। अशोक ऊंची जाति के नहीं थे, मैंने पहले उस दिन बताया था कि उनके जो पूर्वज थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य वंश के थे। आजकल मौर्यों की दशा आप देख रहे हैं, सब्जी उगाना और सब्जी बेचना, यही उनका काम रह गया है। पहले भी शायद वो यही करते रहे होंगे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पहला आदमी था जो
नीची जाति का था और वो बादशाह बना और उसके वंश में अशोक जैसा वंशज आया था। और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। बौद्ध धर्म नीची जाति के लोगों का धर्म हो गया था एक समय। जो अपने को ऊंचा कहते थे, जो ब्राह्मण कहते थे, वो तो ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, और जो आम लोग थे, नीचे तबके के लोग थे, वो बौद्ध हुए। और अशोक भले राजा थे लेकिन थे तो मौर्य, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। 40 साल तक उन्होंने शासन किया, उनका शरीर छूटा। इसके बाद जैसा कि अक्सर होता है, पिता का किया हुआ सब कुछ उनका पुत्र उल्टा कर देता है, पानी फेर देता है। अशोक का लड़का कुणाल कुछ समय तक शासन करता रहा, अयोग्य साबित हुआ। लोगों ने उसको हटा करके दूसरे को बनाया, वो भी वैसे ही निकला। और 100 बरस के अंदर अंदर मौर्य वंश का पतन खत्म। जिसको बनाने में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इनके पहले बिंदुसार ने मेहनत किया, वो कुछ ही वर्षों में अयोग्य उत्तराधिकारियों ने मिट्टी में मिला दिया। एक अंतिम राजा हुआ बृहद्रथ, बूढ़ा था, वो राजा बना। तो उसका सेनापति था, ब्राह्मण था, पुष्यमित्र सुंग। उसने एक दिन अपने राजा को मार दिया और स्वयं बादशाह बना, राजा बना, और एक नई सत्ता, ब्राह्मणों की सत्ता, मगध पर कब्जा काबिज हुई। ब्राह्मण के मन में कहीं जरूर रहा कि ये मौर्य है, इसको मुझे नमस्ते करना पड़ता है, इसके सामने झुकना पड़ता है। जब भी अवसर मिला, जब भी मौका आया, राजा को मार करके सेनापति स्वयं राजा बन गया। इसलिए अशोक के बाद से कुछ ज़्यादा मौर्य वंश में बचता नहीं है, चलता रहा, बस चलता रहा, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं। अशोक ने बार बार अपनी प्रजा को मेरे पुत्र, मेरी संतान, इस शब्द से संबोधित किया है। जैसे मैं अपने पुत्रों को चाहता हूँ कि वो इस लोक में और परलोक में सुखी रहें, वैसे ही मैं अपनी जनता को चाहता हूँ कि वो यहाँ सुखी रहें और यहाँ के बाद भी। पहली बार किसी राजा ने जनता को अपनी संतान कहा है, यह एक नई चीज़ थी। और जिस आदमी में इतना प्रेम रहा, जिस आदमी में आम जनता के प्रति इतनी हित भावना थी, उस जनता ने अशोक को आज भी याद रखा है। जब अशोक सम्राट बने तो जो भी बुद्ध से संबंधित जगह थी, जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, लुम्बिनी, जहाँ के वो थे कपिल वस्तु, जहाँ उनको ज्ञान हुआ, बोध गया, सारनाथ, और जहाँ उनका शरीर छूटा, कुशीनारा, इन सब जगहों की उन्होंने तीर्थयात्रा की, एक रास्ता बनवाया। उन्होंने कहा पहले के राजा लोग शिकार पर जाते थे, मैं तीर्थयात्रा पर जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जनता भी वहाँ जाए। अशोक चले गए और आज की तारीख में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म भी नहीं है, सब कुछ चला गया है। ये कहने की बातें हैं, सुनने की बातें हैं, और इतिहास को एक बार दोहराने की बातें हैं। साहब जी, स्तूप,
हाँ, स्तूप उन्होंने इतने बनवाए, उनके बनवाए हुए स्तूप और उनकी बन और उनकी राजाज्ञाएं। अब 84,000 तो नहीं कह सकता कि 84,000 ही हैं, लेकिन हाँ स्तूप उनके बहुत हैं। और जहां जहां उनका शासन था, शासन कहाँ था उनका, शासन में कमी नहीं आई अशोक के कि उन्होंने हथियार उठाना मना कर दिया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया तो उनका राज्य कम हो गया, ऐसा नहीं। राज्य उनका अफगानिस्तान से शुरू होता था और वहां से होते हुए बंगाल तक आता था, असम पड़ता है, असम कामरूप, असम उनके हिस्से में नहीं आता था, बंगाल तक आते थे और नीचे कर्नाटक में मैसूर तक जाता था उनका राज्य, बहुत लंबा राज्य था और चुस्ती से चलाया और तलवार के जोर पर नहीं चलाया, ये उनकी बड़ी बात है। भारतीय इतिहास में सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे राजा हुए जिनको सलाम किया जा सकता है, एक अशोक हैं और दूसरे शहंशाह अकबर। अकबर और अशोक ये दो आदमी हैं जिन्होंने जनता के लिए काम किया था। अब मेरा ख्याल है जितना मैं जानता था, 20 साल बाद मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ तो इसमें कई चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, कई चीज़ें अधूरी भी रह सकती हैं। अगर साहब जी, कभी भारत में नहीं रहा। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, और भारत ने यह इस देश का रिकॉर्ड है श्रीलंका यहां पर है। भारत ने कभी भी किसी के यहां हमला कभी नहीं किया। हिंदुस्तान का इतिहास यह है कि भारत के किसी भी राजा ने कहीं भी हमला नहीं किया। इधर तो समुंदर है तो यहां तो नहीं कर सकते, यहां भी समुंदर है यहां भी नहीं कर सकते, इधर हिमालय पड़ता है, हिमालय के यहाँ पर नेपाल पड़ता है, इधर भूटान पड़ता है, इधर तिब्बत पड़ता है, इधर चीन पड़ता है, वो हमेशा से स्वतंत्र राज्य रहे हैं और पहाड़ी राज्य हैं, हमसे कोई मतलब नहीं क्योंकि हिमालय की सीमा हमारी सीमा थी। भारत की दिक्कत सिर्फ इधर से हुआ करती थी, कश्मीर और पंजाब की तरफ से। भारत का कोई आदमी कहीं नहीं गया, सिर्फ एक आदमी हुआ यहां पर, उसका नाम था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल एक राजा था, चोल चोल राजा, CHOLA, उसने श्रीलंका पर हमला किया था। उसके पास जल सेना थी, उसने हमला करके कब्जा किया था। बाकी कभी किसी ने नहीं लिखा कि हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया है, कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता है। सिर्फ इतना ही है कि विदेशी आए हैं तो उससे इन्होंने अपने को बचाया है। हिंदुस्तान को इसीलिए धर्मगुरु कहा गया, इनके यहां से जब फैला तो धर्म फैला दूर तक। अशोक ने एक चीज और बताना बाकी है, अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने टोली बना बना करके विदेश में साधुओं को भेजा, इधर कई राज्य थे वहां वहां भेजा है उन्होंने कि हिंदुस्तान की तरफ से राजा का संदेश लेकर के अपने अपने इन इन राज्यों में जाओ और उनसे बताओ कि अपनी प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा हमारा राजा भारतवर्ष में करता है। तो वहां जो है नाम फैला कि हम तो समझते थे कि तलवार के जोर पर शासन किया जाता है, हिंदुस्तान में अशोक जैसा है वो ऐसा कर रहा है।
भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, सिर्फ एक अकेली घटना है, वो जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं तब उसकी चर्चा की जाती है। अब लिखें थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं उनको लिखें। लिखे सम्राट अशोक बिंदुसार 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 की मृत्यु पर अशोक ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। लगातार 4 वर्षों तक उसे अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। तब ईसा पूर्व में वह सम्राट बना। बौद्ध ग्रंथों में लिखा मिलता है कि उसने अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना, किंतु इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। राजा बनने के 8 वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग ये इसको ऐसे लिखें कलिंग ब्रैकेट में उड़ीसा लिखेंगे। कलिंग पर हमला किया। जिसमें
लाखों लोग मारे गए, घायल हुए, और इतने ही बंदी बनाए गए। इस घटना ने अशोक को बदल दिया। ये शब्द लिखिए वहां, यह घटना उसके लिए क्या लिखा है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जब आप ऐसे जाते रहते हैं और ऐसे मुड़ जाते हैं, बस इसी को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। यह घटना उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने युद्ध छोड़ दिया, वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। इसके पहले अशोक इसके पहले अशोक शैव थे। शैव शुभेंद्र, शैव क्या होता है? गले में जैन शिव को मानने वाला वो शैव है, शिव का उपासक। इसके पहले वह शैव था। अशोक ने अपने नाम में प्रियदर्शन की उपाधि लगाई।
उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने शिकार छोड़कर बुद्ध की जन्मस्थली तथा अन्य जगहों की यात्रा की। लुम्बिनी कपिलवस्तु बोधगया सारनाथ कुशीनगर की यात्रा की। कुशीनारा की यात्रा की जी साहब, जहाँ पंडा राज्य करते हैं, जहाँ पंडा राज्य करते हैं अभी। अशोक का सभी धर्मों के प्रति भाव था। ब्राह्मण धर्म आजीवक जैन को भी अशोक श्रेय देते थे। श्रेय आजीवक महासाहब एक संप्रदाय था। कुछ वो भौतिकवादी था उस जमाने में, बुद्ध के जमाने में, तो उसके लोगों को भी वो बुलाते रहते थे, करते थे साहब जी।
बुद्ध से पहले भी। हाँ अशोक का एक वचन लिख लें, अशोक का वचन। अशोक का वचन, राज्य के सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, जिस तरह मैं अपनी संतान को इस लोक और परलोक में सुखी चाहता हूं, वैसे ही सभी मनुष्यों के लिए चाहता हूं। अशोक के शासनकाल में भारत में साक्षरता की दर, साक्षरता का स्तर 72% था। अशोक के दो उद्देश्य, प्रजा का हित, यहां लिख लीजिए बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म प्रचार, एच जी वेल्स एक बड़े इतिहासकार हुए हैं अंग्रेजी में। एच जी वेल्स ने जो लिखा है, अशोका स्टिल रिमेन्स विदाउट अ पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के इतिहास में अशोक का कोई जोड़ा नहीं है अभी तक। यह इसलिए उन्होंने कहा कि अशोक ने तलवार छोड़ दी थी और धर्म प्रचार का काम किया, और दूसरा काम जिसके लिए राजा बनाया जाता है प्रजा का कल्याण, प्रजा का हित, यह अंतिम समय तक अशोक ने निभाया था। अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया,
232 पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उनके पश्चात उनका पुत्र कुणाल शासक बना, किंतु असफल रहा। लिख लिए हम उसको, थोड़ी सी दो चीजें जो चीज है उसको नोट कर लेंगे, हो गया उसका काम। कुछ संसार में कुछ ऐसे बादशाह हुए हैं, राजा हुए हैं, जिनकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि अपनी अपनी प्रजा के साथ उन्होंने पुत्रवत व्यवहार किया। पहला नाम है जिसकी चर्चा साहब जी किया करते हैं, मार्कस ऑरेलियस। एक मिनट, मार्कस ऑरेलियस लगभग 180 ईस्वी में बादशाह था। उसका साम्राज्य अफ्रीका से लेकर के यूरोप तक जाता था, बहुत लंबा हिस्सा था। 12 साल तक वो लगातार युद्ध करता रहा। उसका बेटा इतना वीर नहीं था, उसका नाम था कोमोडस, वीर नहीं था। तो मार्कस ऑरेलियस ने अपने सेनापति को, जो उसके साथ लगातार लड़ाई करता था, सहयोग करता था, उसको रोम मतलब इटली, अब रोम छूट करके छोटा सा हिस्सा रह गया, इटली उसे बोलते हैं, जहां की सोनिया गांधी। तो उसने अपने सेनापति को अपनी जगह बादशाह बनाना चाहा, तो उसके बेटे ने अपने पिता को, मार्कस ऑरेलियस को, सोते समय जा करके गला दबा दिया। मार्कस ऑरेलियस मर गए। उसने अपने को बादशाह घोषित कर दिया और जो सेनापति था उसे देश निकाला दे दिया। और उसने क्रूरता से शासन किया। जिन जिन चीजों की परवाह मार्कस ऑरेलियस करते थे उनका बेटा उनके विपरीत चला। जैसे अशोक का लड़का कुणाल अपने पिता के विपरीत गया, वैसे ही मार्कस ऑरेलियस का बेटा भी अपने पिता से अलग ही गया। सेंट पॉल करके हुए हैं, एक कॉन्स्टेंटाइन करके एक बादशाह हुए हैं तुर्की में, और हिंदुस्तान में एक नाम और अकबर। ये कुछ ऐसे बादशाह हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनहित में काम किया। इसी में अशोक आएंगे, पहले से उनका नाम यहाँ जाना चाहिए, अशोक। ये सब उनके बाद के हुए हैं, क्योंकि अशोक पर तो हम पढ़ ही रहे हैं।
कट्टर हिंदू वाले को सरकार माफी का पता नहीं। अकबर ने सुलह कुल नाम की नीति चलाई थी, सुलह कुल, उसमें कोई भेद नहीं करते थे, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के अच्छे विचारों को लेकर के उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो जो कट्टर लोग हैं वो कैसे पसंद करेंगे? तो जब अकबर पर कभी चर्चा होगी तो हाँ, वो इतने इतना उन्होंने शायद के लिए काम किया, यहाँ भी, यहाँ सेंट पॉल पहले ईसाइयों को पहले मारते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ईसाइयत के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई और एक बड़ा नाम हुआ उनका। कॉन्स्टेंटाइन एक राजा था और इतिहास के बड़े राजाओं की गणना होती है, लेकिन जनता को हमेशा प्यार से रखते थे, इसलिए इनके नाम की आज भी चर्चा है। कुस्तुनतुनिया एक जगह है, इन्हीं के नाम पर कुस्तुनतुनिया, वहीं के ये बादशाह थे। अकबर दिल्ली के थे,